हाय फ्रेंड्स, मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लाई हूँ और ये रेसिपी लाई हूँ मैं परफेक्ट मलाईदार दही जमाने की। हलवाई कैसे एकदम परफेक्ट एकदम गाढ़ा दही जमाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे जमाते हैं। बहुत आसान है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो उन व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी दबा लीजिए ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है यहाँ पर मैंने। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे बॉयल। तो यहाँ मैंने गैस पर चढ़ा लिया है और गैस को मैं ऑन कर दूँगी। तो यहाँ हम दूध को उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो फ्लेम को करूँगी मैं लो यहाँ पे और इसको दूध को हमें अच्छी तरीके से बॉयल करना है। बॉयल करने से क्या होगा, अगर आप अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे तो जब दही जमते वक्त जो ऊपर पानी आ जाता है वो नहीं आएगा। तो उसको हमें अच्छे से बॉयल करना है, कम से कम 10 मिनट तक इसको हम अच्छे से लो फ्लेम पर बॉयल करेंगे और तभी आपकी वैसी मलाईदार दही जमेगी। तो ये देखिए इस तरीके से बॉईल करना है, यहाँ पे लो फ्लेम पे ही इसको अच्छे से बॉईल करना है। तो यहाँ दूध मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका है और मैं करूँगी गैस को बंद और अब इसको कर लेंगे ठंडा। तो यहाँ मैंने दूध को ठंडा कर लिया है। दूध इतना ठंडा होना चाहिए कि अगर हम उसमें उंगली डाल के चेक करें तो उंगली हमारी वो दूध जो गर्म है वो सहन कर सके। तो ये देखिए यहाँ मैं पास से दिखा रही हूँ, मलाई जो है वो जम चुकी है ऊपर, देखिए दूध पर। इस तरीके से आपके दूध पर भी मलाई आ जाने चाहिए ऊपर। और इस पे मैं मिलाऊंगी अब दही। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच दही ली है, फ्रेश दही लें दही जमाने के लिए, तभी आपकी जो दही है वो एकदम मीठी जमेगी और बहुत बढ़िया जमेगी। खट्टी दही लेंगे तो खट्टी दही जमेगी। तो थोड़ा सा दूध में डाल के इसको पतला कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, अच्छे से फेंट लेंगे यहाँ पे दही को, उसको पतला कर लेना है। अब इसमें हम मिक्स कर देंगे यहाँ पे और इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मलाई पहले ही दिख रही है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देना है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको ढक के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे जो ढक्कन है, जो लिड है, उसमें छेद है तो मेरे को छेद नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एयर पास नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने पेपर का बना लिया एक छोटा सा रोल करके, तो वो मैं इसमें लगा दूंगी क्योंकि एयर बिल्कुल भी पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दही जो है जमेगी नहीं और इसमें सारा पानी आ जाएगा। तो एकदम एयर टाइट जो आपको कंटेनर मिल जाए उसमें जमाएँ। तो दही जो है देखिए जम गई थी और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और ये देखिए कितनी मलाईदार और कितनी एकदम पानी भी नहीं है इसमें, बहुत ही बढ़िया दही जमी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना मोटी मलाई इसमें जमी है। ये देखिए ऊपर आपको मलाई दिख रही होगी, ये देखिए कितनी मोटी मलाई जमी है, एकदम बढ़िया दही जमी है और बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए बर्तन में जो बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये दही जो है हमारी बनके तैयार है। अगर आप मेरे इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो करके बनाएंगे दही तो आपकी दही भी बहुत बढ़िया बनेगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।